स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉडी लैंग्वेज के बेसिक सिद्धांत। औपचारिक और आकस्मिक दोनों तरह के संचार में शब्दों पर बहुत जोर दिया जाता है कि लोग क्या कहते हैं। हालांकि अशाब्दिक संचार समान या शायद और भी महत्वपूर्ण है। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है और कई बार जो व्यक्ति कहता है उसका उन शब्दों की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ता है जो वास्तव में मुंह से बोले जाते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति कह सकता है कि मुझे अपने घर में आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है, लेकिन अगर उनकी भुजाएं उनकी छाती से टिकी हुई और उनका शरीर कठोर रुख में है और उनका चेहरा अलग भाव में है तो उनके द्वारा एक विपरीत संदेश जाता है। वे जिस व्यक्ति से बात करते हैं वह इसे देखेगा और महसूस करेगा और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। अशाब्दिक या शारीरिक भाषा की शक्ति को स्वीकार करते हुए मनोवैज्ञानिक लंबे समय से विज्ञान के एक क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं जिसे किनिक्स कहा जाता है। यह शरीर की भाषा में संचार में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में और मानव संबंधों में विस्तार का काम करता है। उदाहरण के लिए प्रबंधकों और नेताओं के लिए बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अशाब्दिक संकेत और संकेत उन्हें अपने कर्मचारियों का मूल्यांकन करने और बोर्डरूम में लोगों की प्रतिक्रियाओं या विचारों का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। नौकरी के साक्षात्कार की प्रक्रिया से उस समय तक जब कोई कर्मचारी अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है या निकाल दिया जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है और सुनी जाती है। काम के माहौल के अलावा अशाब्दिक भाषा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। परिवार के प्रत्येक सदस्य, माता पिता और बच्चे, प्रेमी पति पत्नी, पड़ोसी, मित्र, शत्रु अशाब्दिक माध्यम से संवाद करते हैं। और यद्यपि मौन अशाब्दिक संदेश अक्सर जोर से स्पष्ट और असंदिग्ध होते हैं। जो किशोर बाहर निकलता है और एक दरवाजा पीटता है, जो प्रेमी निविदा देखता है और माँ जो चिंतित है कि बेटी के घर आने की प्रतीक्षा कर रही है, इन लोगों को अपनी सटीक भावनाओं को बताने के लिए एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए शरीर की भाषा का पहला मूल सिद्धांत यह है। शरीर के संकेतों से सच्ची भावनाओं और विचारों का पता चलता है। अधिकांश लोग सामान्य परिस्थितियों में सचेत रूप से अपनी शारीरिक भाषा के बारे में नहीं जानते हैं। जैसे वे अक्सर झूठ बोलने या सच्चाई को ढकने के लिए बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि शब्दों की तुलना में बॉडी लैंग्वेज वास्तव में जो वे महसूस करते हैं या सोचते हैं उसका अधिक सटीक प्रतिबिंब हो जाता है। ऐसे मामलों में जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है उससे अलग है, वास्तविक शब्दों से अधिक अशाब्दिक संदेश पर भरोसा करें। बॉडी लैंग्वेज को सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए, यह एक कौशल है जिसे अनुभव, अभ्यास और सावधान अवलोकन के माध्यम से विकसित किया जाता है। विशेष रूप से अशाब्दिक भाषा की सही व्याख्या करना सीखना महत्वपूर्ण है। हमको पता होना चाहिए कि यह सिर्फ चेहरे के भाव नहीं है, शरीर का रुख या अंगों की चाल भी है जिसमें शरीर की भाषा शामिल है। यहाँ अशाब्दिक संप्रेषण के अन्य तत्व हैं। संचार करने वाले लोगों के बीच की दूरी या स्थान, जिसे प्रॉक्सिमिक्स भी कहा जाता है, व्यक्ति की सांस या श्वसन और अन्य लक्षण यदि मौजूद या ध्यान देने योग्य हैं, पसीना आना, शर्माना, नाड़ी दर, उसकी गुणवत्ता, आवाज, पिच, गति, आयतन, विस्मय, रुकावट और अन्य। कोई व्यक्ति पेन, बैग या उसके चश्मे जैसी कुछ चीजों को कैसे रखता या छूता है, इसका मतलब है कि चेहरे के भावों के अलावा इन सभी को ध्यान देने योग्य है। बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करने के बाद इन सामान्य अभिव्यक्तियों को जटिल किस्में और विवरणों को सीखा जा सकता है जो विभिन्न अर्थों को व्यक्त करते हैं।